नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर बिहार से बता रहे हैं आपको। जिले में पार्टी के संगठन को अत्यधिक मजबूती प्रदान करने के लिए आज गांधी जयंती के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित रेड क्रॉस भवन में पार्टी के युवा प्रकोष्ठ की ओर से युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा जदयू के जिला अध्यक्ष सुजीत झा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष तिवारी एवं विशिष्ट अतिथि युवा जदयू के तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी सुशील कुमार सिंह, प्रभात किरण, राहुल झा, राहुल कुमार सिंह उपस्थित थे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की मजबूती को लेकर एक गाँव एक नेता कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इसी को लेकर आज मैं सीतामढ़ी के द्वारा ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक गांव एक नेता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा और कैसे इसे हमें करना है। उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जयंती के मौके पर इसका आयोजन किया जाएगा। युवा जदयू के चंपारण प्रमंडलीय प्रभारी राहुल कुमार सिंह ने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह एवं युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी के दिशा निर्देश में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बिहार से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। भाई राहुल सिंह जी, भाई प्रभात किरण जी, भाई अंकित तिवारी जी के निर्देशानुसार युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो युवा संवाद, आप युवाओं की पहचान, आप युवाओं की आवाज, आप युवाओं की आंख, आप युवाओं की मान और आप युवाओं की शान बनेगा। और पूरे जिला में, चाहे वह जिला जनता दल यूनाइटेड हो या अन्य प्रकोष्ठ हो, आपकी पहचान को स्थापित का मुख्य उद्देश्य है कि आज हम जो सीतामढ़ी जिले के अंदर युवा जनता दल यूनाइटेड का जो जिला संगठन है उसकी हम समीक्षा करने आए हैं। साथ ही आने वाले दिन जो 11 अक्टूबर है उस दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है, उस अवसर पे युवा जनता दल यूनाइटेड एक गांव एक नेता कार्यक्रम कर रही है। उसके बारे में जो है हम यहाँ पे सीतामढ़ी के सभी नौजवान साथियों को बताने जा रहे हैं कि भाई इस कार्यक्रम क्या है और यह कार्यक्रम कैसे करना है और आने वाले दिनों में किस प्रकार से हम गाँव के अंदर अपने संगठन को मजबूत करेंगे उसका दिशा निर्देश।